फ्राइडे टू हर फ्राइडे वो मरीज आया था तो एक महीने का उसका इलाज लगभग लगभग फ्री है जो दो हफ्ते हो गए हैं अगर आपने दिखाया है तो आगे भी आप दिखाएंगे नहीं दिखाया तो ये आने वाले फ्राइडे को आप सनराइज हॉस्पिटल आ सकते हैं और मुफ्त ओपीडी आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरे दिल में एक बात आई थी कि कुछ आ, किया जाए पब्लिक के लिए भी पैसे के लिए तो रोजी काम होता है तो रमजान का महीना इसके लिए बेहतर था कोई एक रुपये एक पेनी नहीं चार्ज किया जाता है नमस्कार आदाब मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स साथियों रमजान का पाक महीना चल रहा है ऐसे में हर शख्स की यही कोशिश रहती है कि कैसे नेकी का काम किया जाए कैसे मानवता के काम आया जाए और इस रमज़ान के महीने को बेहतर तरीके से गुजारा जाए ऐसे में एक पहल शुरू की है गोंडा के जाने माने ऑर्थोपैडिक्स डॉक्टर आफ्ताब ने जी हाँ डॉक्टर आफ्ताब आलम जिनका सनराइज हॉस्पिटल आवास विकास सर्कुलर रोड पर चलता है इन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की है खैर हम दो हफ्ते लेट हो गए हैं लेकिन फिर भी कोशिश की कि इसे आप तक पहुंचाना चाहिए जी हां रमजान के इस पाक महीने में हर फ्राइडे शुक्रवार को ये और इनकी वाइफ फ्री ओ की सेवा देते हैं कहीं से भी हों आप कहीं के रहने वाले हों किसी भी वर्ग के रहने वाले हों आप सनराइज़ हॉस्पिटल अगर दिखाने आते हैं तो आपसे एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाएगा इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ुद मौजूद है फाउंडर सनराइज हॉस्पिटल डॉक्टर आफ्ताब आलम जी आफ्ताब जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से कि आप इतना बेहतर काम इस महीने में दे रहे हैं शुक्रिया कि तुमने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे पास आए थैंक यू इसके लिए आ, मेरे दिल में एक बात आई थी कि कुछ किया जाए पब्लिक के लिए भी पैसे के लिए तो रोजी काम होता है तो रमज़ान का महीना इसके लिए बेहतर था तो हमने सोचा कि हम और हमारी अहलिया डॉक्टर जुबैरिया मिराज उन्होंने हम दोनों ने मिलकर ये किया कि हर फ्राइडे रमज़ान के इस पाक महीने के हर फ्राइडे को हम लोग निःशुल्क सेवाएँ देंगे अपना और इसे किसी भी कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा मतलब कोई भी आए ईच एंड वन तो डॉक्टर साहब जैसे अभी दो फ्राइडे निकला तो कैसे लोगों का रिस्पांस था क्या लोगों को पता चल पा रहा है कि आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं और जो लोग अमूमन देखा जाता है कि हड्डियों की दिक्कत समस्या होती है लेकिन फीस नहीं देने की वजह से या नहीं एबल है वो देने लायक और घरों पे बस मेडिकल से दवा ले लेते हैं और ऐसा ही काम चलाते हैं तो इतना अच्छा इलाज आप अगर कर रहे हैं तो लोगों को पता चल पा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग आ भी रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं बिल्कुल वो आ रहे हैं और खुश हैं इस बात से कि कम से कम चलो कुछ नहीं से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कि चलो कम से कम हफ्ते में एक दिन का फ्री है तो एटलीस्ट वो पूरे महीने हम लोग फ्री इलाज अमूमन एक हफ्ते की दवा दी जाती है चाहे दो हफ्ते की दवाई तो वो सर्कुलेट हो जाता है हर फ्राइडे टू तो हर फ्राइडे वो मरीज आ जाता है तो एक महीने का उसका इलाज लगभग लगभग फ्री है बिल्कुल ये बहुत खास बात इन्होंने कही कि अगर पहले फ्राइडे किसी ने दिखाया था तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो आने वाला है वो एक महीने का कहीं ना कहीं उसे इलाज मुफ्त मिल रहा है तो जो दो हफ्ते हो गए हैं अगर आपने दिखाया है तो आगे भी आप दिखाएंगे नहीं दिखाया तो ये आने वाले फ्राइडे को आप सनराइज हॉस्पिटल आ सकते हैं और मुफ्त ओपीडी आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब सब सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कि हड्डियों में जो समस्या बढ़ती जा रही है इसका मुख्य कारण है क्या एज फैक्टर है या फिर जो नए लोगों में भी घुटनों में आवाज़ और तमाम समस्याएं आ रही हैं कमर में दिक्कत क्या वजह है इसके दो तीन वजह हैं जो आजकल बहुत कॉमन है पब्लिक में प्रॉब्लम जो नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम और स्पाइन की प्रॉब्लम कमर के कमर दर्द की प्रॉब्लम पहली तो सबसे बड़ी ये है कि आजकल जो है लाइफ स्टाइल फर्स्ट में लाइफ स्टाइल है लाइफ स्टाइल क्या है कि हम लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में रहते हैं कहीं काम धाम नहीं करना है कुर्सी पर बैठ के काम करना है या मोटरसाइकिल से चलना पैदल चलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है एक्सरसाइज बिल्कुल गायब हो गई है हम लोगों की ज़िंदगी से मेहनत तो का काम नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोगों की प्रॉब्लम जो पहले साठ सत्तर में आती थी वो अब चालीस साल पैंतालीस साल के एज में लोग इनकाउंटर हो रहे हैं नी पेन में कमर दर्द में कमर दर्द की भी से, सेम कहानी जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब हम झुक के कोई काम नहीं करेंगे हम इंग्लिश टॉयलेट का शुरुआत से बचपन से आजकल लोग यूज़ करने लगे तो ये सब उसकी डिसएडवांटेज हैं जो कि हमारे सेहत पर पड़ रहा पड़ रहा अच्छा सनराइज़ हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ किस तरह के इलाज पॉसिबल हो रहे हैं कैसे कैसे आपने ऑपरेशन किए हैं अभी तक जो लोग लखनऊ और दिल्ली के लिए जाते हैं वहाँ परेशान होते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप गोंडा में सनराइज़ हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दे रहे हैं अलहमदिल्ला हम लोगों ने अल्लाह के रहमत से आर्थोपेडिक सर्जरी में ईच एंड एवरीथिंग कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कोई भी ऑपरेशन के लिए हम लोग आंट्री एलनेस की मरीज राज़ी हो कराने के लिए तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी कोई भी डिफिकल्ट स्पाइन सर्जरी हो कूल्हे का प्रत्यारोपण घुटने का प्रत्यारोपण शोल्डर सर्जरी या लिगामेंट सर्जरी आर्थोस्कोपी सर्जरी कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेकर और स्पाइन सर्जरी तक सब कैटर कर रहे हैं अलहमदिल्ला रिस्पांस बहुत बढ़िया है और कम से कम दाम में ऐसा नहीं है कि हम बड़ी सर्जरी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बहुत मिनिमल से मिनिमल चार्जेस में आपको बेस्ट वर्क मिलेगा मैं ये कह सकता हूँ कि सी वन इस्पाइन से लेकर और टो तक सारे सर्जरी हमारे यहाँ है, एवेलेबल्स हैं हड्डी विभाग में और गायनी विभाग में सब लेप्रोस्कोपी से लेकर सारे सीजर्स वगैरह सब होते हैं हमारे यूरो सर्जरी की भी सुविधाएँ हैं जनरल सर्जरी की भी सुविधाएं हैं ये चार सुविधाएं लेकर और एक और बात मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से ये चारों विभाग में फ्री ऑपरेशन फ्री दवाइयाँ फ्री बेड चार्ज मतलब निशुल्क ऑपरेशन भर्ती पूरा निशुल्क है आयुष्मान धारकों के लिए चारों विभाग में कोई एक रुपये एक पेनी नहीं चार्ज किया जाता है मतलब तो एक तरफ जहाँ डॉक्टर साहब खुद शुल्क नहीं ले रहे हैं वहीं आयुष्मान कार्ड जो बीजेपी सरकार ने इसे शुरू किया उसका भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ फायदा मिलने वाला है कहीं हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि आपके पास कार्ड है लेकिन वहाँ वो लेते नहीं है बताते हैं उनके यहाँ नहीं चलता है लेकिन गोंडा के सनराइज हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है आप आते हैं लिया जाता है और पूरा जो आपका इलाज है वो निःशुल्क किया जाता है तो आ, स, एक बात और डॉक्टर साहब की आपकी वाइफ को लेकर भी कहीं ना कहीं क्योंकि सनराइज हॉस्पिटल पर आपने ओपीडी फ्री की है आपने अपने भी की है वाइफ को लेकर भी कुछ बता दीजिए जी डॉक्टर जुबेरिया एम बी गायनी सर्जन है उनकी भी ओपीडी जैसे हमारी फ्री है वैसे उनकी भी फ्री है ओपीडी चारों दिन चारों फ्राइडे को चारों या पांच फ्राइडे जो भी रमजान के महीने में फ्राइडे आएगा उसमें फ्री है और वैसे भी अगर नहीं भी फ्री है मान लो नेक्स्ट मंथ रमजान के बाद भी अगर कोई ऐसी आ, पब्लिक में कोई गरीब आदमी आता है तो फ्री सबको देखा जाता है ऐसा किसी को पैसे के लिए लौटाया नहीं जाता है पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने अभी बात अपनी खत्म की है कि पैसे के लिए यहां लौटाया नहीं जाता ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक आ, कही कहीं ना कहीं मिथ बन चुका है या फिर एक माहौल कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा बना दिया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा ऐसे केसेस देखे भी गए है लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपका इलाज होगा उनमें से एक है डॉक्टर आफ्ताब आलम जो कि सनराइज हॉस्पिटल रन कर रहे हैं गोंडा के आवाजिकास सर्कुलर रोड पर हम चाहते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपको भी नेकी मिल सके उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज कराने को वो आ सके डॉक्टर आफ्ताब आलम को दिखा सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम फरहान रकिब खान मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद